जय हिंद दोस्तों, आज हम तत्समव तद्भव प्रैक्टिस सेट करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको UP SSC, UPSI, UPP, RO, ARO, PCS, UPPCS, SSC के आदि क्वेश्चन जो आए हुए हैं एक बार से अधिक उन सब क्वेश्चन का कलेक्शन कर यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया। इसलिए आपके लिए दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप लोग भूल कर यह वीडियो मिस ना करिए, क्योंकि पिछली बार जब हमने एक वीडियो बनाया था उसमें से जब UP SSC का पेपर हुआ था तत्सम और तद्भव का सारे क्वेश्चन यहीं से फंसे हुए थे। इसलिए आप लोग दोस्तों यह मिस मत करिएगा इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। जैसे करपट का तद्भव रूप है, करपट का तद्भव रूप आपसे पूछा गया, चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। देखो यह UP PCS में 2015-18 में पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा चलिए हम बताते हैं आपका आंसर कपड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गधा का तत्सम रूप है, यह भी UP SSC में 2018 में पूछा गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है, सोचना है अपने दिमाग में, उसके बाद आंसर हम बताते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा, डी, गर्दभ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रिय शब्द का तद्भव रूप, हाँ दोस्तों प्रिय शब्द का तद्भव जो शब्द है उसको आपको पहचानना है। नंबर एक है प्रिया, प्रेम, प्रिया, प्यार, इसका ऑप्शन होगा आपको प्रिया। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है आपको पहचानना है। UP PCS में 2014 में पूछा गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चार ऑप्शनों में से एक चुनना है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, आंसर क्या होगा, तस्करण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। यह UP PCS 2014 में पूछा गया है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को दोस्तों देखो, देखने के बाद दिमाग में सोचो, उसके बाद आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, डी, ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, इसमें से आपको दोस्तों कौन सा पूछा गया है तत्सम शब्द, चार ऑप्शन के माध्यम से पूछा गया है, यह भी क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है, उसके बाद चलिए इसका क्या होगा, डी, विस्मय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा तद्भव शब्द है, चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, कौन सा इसमें तद्भव शब्द है उसको पहचानना है। यह भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, इसमें इसको आप लोग अपने माइंड में फिट करिए और सोचिए कि इसमें कौन सा होगा, तो उसके बाद आपको आंसर जब मिले तो उसको लगाइए। इसका क्या होगा, ए, पंखा, पंख। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है आपको यहाँ पूछा गया है दोस्तों, यह ध्यान रहे कि नहीं है, है, इस बातों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। एग्जाम में अक्सर होता है कि हम लोग तत्सम है पढ़ लेते हैं, नहीं नहीं देखते हैं, इसलिए दोस्तों यह गलती ना करिए। इसका उत्तर होगा हल्दी। अगला उस क्वेश्चन है हमारा, तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द का चयन RO ARO 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, सुर, निडर, गति, कमल, इन चारों ऑप्शन में से उत्तर क्या होगा आप लोग अपने माइंड में सोचिए, कमल, क्या होगा, कमल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है आपको यह पहचानना है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, RO ARO 2016 में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आप लोग इसलिए वीडियो को मिस मत करिए, पूरा देखिए और अंत तक, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा आप लोग को बताते हैं, बी। चलिए अगले क्वेश्चन के कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, चार ऑप्शन के माध्यम से पूछा गया है, UP PCS और RO में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में आपको एक चुनना है दोस्तों, इसमें से उत्तर क्या होगा, चलिए इसका उत्तर क्या होगा है, बी, केवट। अगले क्वेश्चन की ओर, या अगला क्वेश्चन बराबर क्वेश्चन है, गृध शब्द का तद्भव रूप है, चार ऑप्शन के माध्यम से आपसे पूछा गया है, इसमें से A, B, C, D कौन सा होगा। RO ARO 2014-16 में दोनों क्वेश्चन यह पूछा गया है, इसलिए आप लोग वीडियो को कतई मिस न करिएगा। चलिए इसका आपका उत्तर क्या होगा जानने की कोशिश करें, क्या होगा, डी, गिद्ध।
चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मक्खी शब्द का तत्सम रूप। मक्खी शब्द का तत्सम रूप आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, UPSSC, UPPC और RO ARO में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन कई बार रिवाइज किया गया है, कई बार में एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को मिस मत करिए, नोट करते चलिए क्वेश्चन को। चलिए इसका उत्तर क्या होगा आपको, डी मछिका। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हुला शब्द का तत्सम रूप। आपसे पूछा गया है हुला शब्द का तत्सम रूप, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए, तभी आप लोग को मज़ा आएगा। चलिए ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने के पूरे उम्मीद है। चलिए हम इस जो आपको स्क्रीन पर है उसका उत्तर होगा डी उल्लास। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे आपके, सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या है। चार ऑप्शन के माध्यम से दिया गया है, UPSSC में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, 2016-17 में लगभग पूछा गया है। चलिए इनका क्या होगा उत्तर, आप लोग अपने माइंड में सोचिए, उसके बाद उत्तर बताया जाएगा। इसका उत्तर क्या हो सकता है आप लोग दिमाग में सोचते रहिए। चलिए इसका उत्तर क्या होगा हम बताने की कोशिश करते हैं, सी। आप लोग उम्मीद है कि सही चूज किए होंगे उत्तर, 16 चूरन का तत्सम रूप है। चूरन का आपको तत्सम रूप पूछा गया है, चार ऑप्शन के माध्यम से पूछा गया है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना है दोस्तों। UPSI, UPSSSC, UPPCS में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और एक पूछा गया है, तीन बार पूछा गया क्वेश्चन, आप लोग को चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। और यह याद करने का बहुत अच्छा तरीका होता है सेट के माध्यम से, इसलिए दोस्तों आप लोग इसको चूज करिए। इसमें क्या होगा उत्तर, बी चूर्ण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इन चार ऑप्शन को में से दिया गया है आपको, इसमें से आपको पहचानना है कि चार ऑप्शन में तुम्हें तत्सम शब्द नहीं है। UPP, UPSI, UPSSSC में यह क्वेश्चन पूछा गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने माइंड में उत्तर को फीड कर लिए होंगे और आगे जो टिक बताते हैं कि इसमें से ये है तो उसमें आप लोग मिलाते होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आंसर सही होता है, यह डी ऑप्शन होगा, रात। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ससुर शब्द जो है उसका तत्सम रूप पूछा जा रहा है आपको, चार ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन पे, आप लोग जल्दी से सोचना स्टार्ट कीजिए इसमें से उत्तर क्या होगा। चारों ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन अपने माइंड में फिट करिए, उसके बाद आप उत्तर से मिला लीजिएगा। उत्तर से मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, इसमें उत्तर होगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मुनिस्वा तत्सम शब्द है, इसमें आपको तत्सम शब्द पूछा गया है, UPSSSC और ARO में यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं दोस्तों। इसका आप लोग चार ऑप्शन के माध्यम से इसको उत्तर दीजिए, आप एक ऑप्शन चुनिए, इसका क्या होगा ए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 20वां क्वेश्चन, माँ शब्द का तत्सम रूप। दोस्तों वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं तो यह वीडियो बहुत ही कारगर आपके लिए एग्जाम के लिए सिद्ध होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं या फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं, UPPCS, UPPP, UPSSSC, तीन बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसका आपका आंसर देना ही पड़ेगा हर हाल में। चलिए यह क्वेश्चन चार ऑप्शन के माध्यम से चुनिए, इसका उत्तर आपको पहचानना है, इसका उत्तर सी, मात्र। नंबर अब 21 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, तद्भव शब्द है, इसमें से आपको तद्भव शब्द पहचानना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं या UPSSSC, RO और ARO में क्वेश्चन पूछा गया है, मानव, मनई, मनुष्य, मानव, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनना है। उत्तर को उत्तर अपने माइंड में फिट करिए और उसके बाद उत्तर को मिलाइए, उत्तर आपका क्या होगा, बी मनई। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन का आपको स्क्रीन सेट है, उसको आपको लोगों को फिट करना है दिमाग में, उत्तर क्या होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले इसका आपको लोग उत्तर जान लीजिए, इसका उत्तर आपके स्क्रीन पर बस कुछ ही क्षणों में उजागर होगा। चलिए इसका उत्तर आ गया है डी, तीर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव रूप है, चार ऑप्शन के माध्यम से आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है एग्जाम में, आप सभी को उत्तर देना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 का उत्तर क्या होगा, निम्नलिखित में तद्भव शब्द पहचानना है आप लोग को, UPSSSC में पूछा गया, UPSI में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा आपके स्क्रीन पे है सूरज, डी।
चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 24 नंबर, इसमें आपको पूछा गया है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। दोस्तों इसमें ध्यान से पढ़ना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अक्सर बच्चे पढ़ लेते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है। चलिए इनको उत्तर अपने माइंड में सोच के फिट करिए और उसके बाद अभी उत्तर आएगा उसे आप मिला लेना। चलिए हम इसका उत्तर होगा आपका इसमें से ए, आँख। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न से तत्सम शब्द है। दोस्तों इनमें से आपको पहचानना है कि तत्सम शब्द कौन है। इसमें यह क्वेश्चन UPSSSER/ARO 2019 पूछा गया है। दोस्तों यह प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है। क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ कर रखा गया है जो एग्जाम में ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इसका आप लोग उत्तर को अपने माइंड में फिट कर लिए उसके बाद उत्तर को मिला लीजिए। इसका उत्तर होगा से, मुख। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। 26वां क्वेश्चन है कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। आप चार ऑप्शन को देखिए और इसको सोचिए इसमें से कौन होगा। RO/ARO प्री में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से और उसके बाद उत्तर को सोचिए। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट करते रहिए। चलिए इसका उत्तर होगा इसमें से ABCD में कौन सा होगा। चलिए इसका होगा D। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर है श्रृंगार शब्द का तत्सम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों इसमें से आपको श्रृंगार शब्द का तत्सम शब्द पूछा जा रहा है। ABCD के माध्यम से पूछा जा रहा है। आप लोग इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सोच के बताने वाले हैं और बताएंगे। यह क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। चलिए इसका उत्तर क्या होगा आपको, इसका उत्तर होगा सी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 28 नंबर है हल्दी शब्द का तत्सम शब्द पूछा जा रहा है। हल्दी शब्द का तत्सम है, चलो 2010, 16 और 2018 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 3 बार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर आंसर दीजिए। चलिए इसका उत्तर क्या होगा ABCD के माध्यम से हम बताते हैं, इसका होगा वी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 29 नंबर है गेहूं शब्द का तत्सम शब्द है। गेहूं का आपको पूछा जा रहा है तत्सम शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों इसको पूछा जा रहा है। यह क्वेश्चन RO/ARO में पूछा जा रहा है। आप चारों क्वेश्चन को सोचिए और समझिए उसके बाद उत्तर को अपने मिला लीजिए। उत्तर मिलाने से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, सही हो जाता है तो अब चलिए इसका क्या होगा ए होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है देवर शब्द, देवर जो शब्द है इसका तत्सम रूप पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन चूज करना है आपको। वह ऑप्शन चूज करना है जो ऑप्शन सही है और उसके बाद कुछ क्षणों में आपको जो उत्तर बताया जाता है उसमें आप मिलान कर लीजिए। चलिए इसका अगला इसके क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन आने के पहले इसका उत्तर जान लेते हैं ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा 31 नंबर कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया UPSSSER/ARO में। दोस्तों आपको उत्तर देना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वीडियो बनाएंगे, इसलिए उत्तर देना आप लोग को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। चलिए दोस्तों इसका उत्तर आप लोग सोचते रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। चलिए इसका उत्तर क्या होगा डी। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर है प्लंग। प्लंग शब्द का सब तत्सम रूप पूछा जा रहा है दोस्तों। 2010, 2016, 2018 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसको आप लोग अपने माइंड में सोचिए कौन सा उत्तर सही होगा। दोस्तों आप लोग ये प्रैक्टिस सेट करते रहिए, इसका विस्तार से हम एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लाने वाले हैं यूट्यूब पे और इसमें आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट करते रहिए। इसके बाद चला इसका उत्तर होगा सी। अब चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से एक शब्द तद्भव है, इनमें से हमको तद्भव पहचानना है। चलिए 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप लोग पहचानते रहिए। जो हम बता रहे थे इसके बारे में एक वीडियो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है जो कि बगैर याद कराए ही आप लोग तत्सम और तद्भव याद हो जाएगा। चलिए इसका उत्तर होगा क्या 33 नंबर का डी। हम चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा अखरोट शब्द का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा ABCD के माध्यम से पूछा जा रहा है। आपको लोग को आंसर इसको बताना है।
यार वीडियो बहुत ही मेहनत द्वारा बताया गया, अलग अलग बुकों से यह क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाया गया है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को करना न भूलिएगा। चलिए हम इसके हम आंसर की ओर बढ़ते हैं, इसको उत्तरों की ओर बढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या होगा आप लोग की स्क्रीन पर है बी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, टकसाल का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। टकसाल का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा दोस्तों। उस ऑप्शन को छाट के आप सब लोगों को उत्तर देना है दोस्तों। यह वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, आप लोग एग्जाम के पहले देखेंगे। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 36 नंबर से। इसमें से तत्सम शब्द पहचाना गया दोस्तों। पिछले वीडियो जो बनाया गया था उसमें से दो यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर जूनियर शिक्षक हुआ तो वहाँ से वहाँ सारे तत्सम और तत्सम शब्द आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे वहीं वीडियो से पूछे गए। देखो छोटे से वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा और कहाँ खुशी मिल सकती है। इसलिए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को आप करना ना भूलिएगा। चलिए चार ऑप्शन मिले हैं, इनमें से आपको उत्तर क्या होगा, इनमें से अपना जो सोचे हैं उत्तर मिला लीजिए। उत्तर होगा डी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 37 नंबर, कार्पर का तद्भव रूप पूछा जा रहा है दोस्तों। कार्पर का तद्भव रूप पूछा जा रहा है, आप लोग बताते रहिए। हम बात दोस्तों आप लोग कह रहे हैं कि जो छोटा सा वीडियो बनाया गया था यूपी ट्रिपल एससी में जूनियर असिस्टेंट के लिए, उसमें थे सारे के सारे तद्भव तत्सम के शब्द पूछे गए थे, और जो पर्यायवाची विलोम शब्द के वीडियो बनाए गए तो सारे क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। चलिए इसका उत्तर आपका क्या होगा, इसका उत्तर होगा ये। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 38 नंबर है, तद्भव से तत्सम। तद्भव से तत्सम इसमें आप बताए, कपूर का कर्पूर है, कपड़ा का कर्पट है, खप्पर का खप्पर का खरपर है, केकड़ा का करकर है। यह क्या है, तद्भव से तत्सम शब्द है। इसलिए इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लिए, उसके बाद याद करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा शब्द तत्सम है। चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, यूपी ट्रिपल एस सी, आर ओ और ई आर ओ, यूपीएसवाई में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही ज़बरदस्त यह क्वेश्चन है, क्योंकि इस चार बार पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर आप लोग सोच समझ के दीजिए। और इसको जो अच्छे क्वेश्चन आपको लगे नोटबुक में लिख के उसको नोट करते रहिए और याद करते रहना। चलिए इसका उत्तर क्या होगा ये। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है, मुदरी का तत्सम रूप है। मुदरी शब्द का तत्सम रूप आपसे पूछा गया, चार ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी में ही 2016 में 2018 में दो बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। जो अच्छे आपको लगे क्वेश्चन उसको नोटबुक में नोट कर लिए, और इसको यह भी लिख लिए कहाँ क्वेश्चन पूछा है, कितनी बार पूछा गया। चलिए दोस्तों इसका हम अब उत्तर की ओर पहुंच चुके हैं, उत्तर इसका होगा डी। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मक्खन का तत्सम शब्द है। मक्खन का जो है तत्सम शब्द है, तत्सम रूप पूछा जा रहा है। तत्सम शब्द क्या होगा मक्खन का दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी और ईवीपी में यह दो जगह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन मिस न मत करिएगा, नहीं तो आप लोग बहुत पछतावा होगा। इसलिए चलिए हम यहाँ इस क्वेश्चन के भी उत्तर के स्थान पे आ चुके हैं, इसका उत्तर होगा डी। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर है, निम्न से तत्सम रूप है दोस्तों। इसका तत्सम रूप पूछा गया है। चलिए यूपी पी आर ओ ए आर ओ 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों आर ओ आर ओ में पूछा गया, इसलिए इसको उत्तर देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। चलिए दोस्तों इसको उत्तर क्या होगा, हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, उसका उत्तर होगा डी। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम है आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा तत्सम तत्सम है, चार ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। चारों ऑप्शन में सबको पहचानना है। पहला ऑप्शन तुरंत है, बी आज है, डी सी सीरज है, डी कर्फर है। आप चलिए इसका उत्तर क्या होगा डी। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 44 नंबर, पर्ण का तद्भव शब्द है। पर्ण का तद्भव शब्द पूछा जा रहा है, चार ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। चारों ऑप्शन में आपको पहचानना है और पहचान के अपने माइंड में फिट करना है कि हमारा हाँ यही सही है। उसके बाद जो आंसर आए उसे आप मिला लीजिए करिए दोस्तों। चलिए इसका हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, इसका उत्तर क्या होगा ए। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, पर नहीं शब्द का तत्सम रूप पूछा गया है दोस्तों। इसमें चार ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। चारों ऑप्शन में आप लोग एक ऑप्शन चूज करना है जो सही होगा, उसके बाद उत्तर द्वारा आप लोग मिलान कर लीजिए। यह प्रैक्टिस करने पर आप लोग को बहुत ही मज़ा
आ रहा होगा दोस्तों। और एग्जाम के पहले थोड़ा अगर इसका उत्तर होगा डी दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो और प्रश्न जो पूछा था पोकर्स का तत्सम रूप, चार ऑप्शन दे दिए हैं, चारों ऑप्शन का आपने सोचिए, उसके बाद उत्तर को मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। हम धीरे धीरे दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन पर पहुँच गए हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन का जो उत्तर होगा ए बी सी डी के माध्यम से आप लोग मिला लीजिए, इसका उत्तर होगा ए। चलिए हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, दाहिना का तत्सम रूप पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और इसमें दोस्तों नोट करने में थोड़ा मिस हो गया है कि कहाँ कहाँ पूछा गया, इसलिए 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए इसका उत्तर होगा दोस्तों, उत्तर होगा बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर, सुई का तत्सम रूप है, सुई शब्द का तत्सम रूप पूछा जा रहा है, क्योंकि ये चार ऑप्शन आपको दे दिए गए दोस्तों, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप चूज कर दिया और उसके बाद उत्तर के द्वारा मिलान कर लीजिए दोस्तों। आप लोग अगर आगे इसमें इसके बाद आएगा क्या कहते पर्यायवाची विलोम शब्द के वीडियो, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी। 49 क्वेश्चन आ गया है, 49वां क्वेश्चन होगा ससुर शब्द का तत्सम रूप दोस्तों। यह जो तत्सम और तद्भव का है पार्ट वन है दोस्तों, पार्ट टू अब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया जाएगा और जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन उनको रखे जाएंगे। चलिए दोस्तों इसका उत्तर होगा सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तद्भव शब्द है, इसको इसमें से आपको पहचानना है कौन सा तद्भव शब्द है दोस्तों। तद्भव चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है, उसमें से उसके बाद उत्तर बताना है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन का उत्तर है डी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को यह वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो में मज़ा पाएंगे और नोट में जो ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन है उसको नोट करते गए होंगे। हम यह तद्भव तत्सम को पार्ट वन है, पार्ट टू बहुत ही जल्द आने वाला है दोस्तों और आएगा, इससे बहुत ही बेहतर होगा दोस्तों, इसलिए आप देखते रहें। जय हिंद।